नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार से भी इसमें कुछ सांसद शामिल हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा को भी इस जो शेष सत्र बचा हुआ है, शीतकालीन सत्र के जो शेष सत्र हैं, उससे निलंबित कर दिया गया। इसके साथ जेडीयू के सांसद अनिल हेगड़े, रामनाथ ठाकुर, आरजेडी के राज्यसभा सांसद फ्याज अहमद, इन सब को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि पार्लियामेंट में लगातार जो सुरक्षा चूक हुई है, उसके ऊपर बहस को लेकर के जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि आखिर पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक क्यों हुई और कैसे हुई। इसी को लेकर के हो हंगामा हो रहा है पार्लियामेंट में। उस दौरान विपक्ष के जो कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, लोकसभा के कुछ सांसदों को निलंबित किया गया है, राज्यसभा के भी कुछ सांसदों को निलंबित किया गया है। विपक्ष के कई सांसद ऐसे हैं जो लगातार मुखर होकर के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, बीजेपी से सवाल पूछते हैं। उन लोगों के ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया है और जो शीतकालीन सत्र के जो बचे हुए कुछ दिन हैं उससे निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रोफेसर मनोज झा भी लगातार पार्लियामेंट में बीजेपी से सवाल करते रहते हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं। वो प्रखर वक्ता हैं। आपको बता दें कि लगातार वो देश के अन्य मामलों के ऊपर बोलते भी हैं। और ऐसे में जब ये पार्लियामेंट के ऊपर जो सुरक्षा चूक हुई, पिछले दिनों आपने देखा कि दो युवक पार्लियामेंट में कैसे सुरक्षा चूक किए, पार्लियामेंट के हाउस में कैसे उन्होंने घुस करके सांसद जो कह सकते हैं हॉल है उसके अंदर तक उन्होंने अफरा तफरी मचा दिया था। और इसी के ऊपर विपक्ष के जो सांसद हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्हें जवाब देना चाहिए पार्लियामेंट में। आपको बता दें कि जो विपक्ष के सांसद हैं उन लोगों को इस हो हंगामा को लेकर के इस जो लगातार अमित शाह से मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं इस सुरक्षा चूक के ऊपर, इस मामले को लेकर के विपक्ष के कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। प्रोफेसर मनोज झा, जेडीयू के सांसद अनिल हेगड़े हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, फ्याज अहमद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के भी दूसरे राज्यों के जो सांसद हैं, रणदीप सुरजेवाला हों या फिर केसी वेणुगोपाल हों, इन सभी सांसदों को शेष जो सत्र बचा हुआ है इससे निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो सांसद निलंबित हुए हैं वो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है और उस सवालों से भाग रही है, इसलिए इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रोफेसर मनोज झा ने यहाँ तक कहा कि बहुत खुश हैं जो इस निलंबित सांसदों के लिस्ट में उनका भी नाम है। आपको बता दें कि लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो पार्लियामेंट में सुरक्षा चूक के ऊपर गृहमंत्री से जवाब जानना चाहते हैं। गृहमंत्री से वो लगातार बोल रहे हैं कि आकर के पार्लियामेंट में जवाब दीजिए कि आखिर पार्लियामेंट में सुरक्षा चूक कैसे हुई। इसी को लेकर के विपक्ष सांसद काफ़ी जो कह सकते हैं कि हो हंगामा कर रहे हैं, कड़ा एतराज़ जता रहे हैं। और आज विपक्ष कई सांसदों को लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़।